जो सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया था उसमें 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल किया गया है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश की जनता ने अदम्य दृढ़ शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी उसमें एक बड़े मुकाम को प्राप्त करने के लिए हासिल किया गया है। कोविड की इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के अनुसंधानकर्ताओं ने काफ़ी रिसर्च करके इस वैक्सीनेशन को तैयार किया। देश में हमारे जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, विशेष रूप से हमारे हेल्थलाइन वर्कर, उन्होंने न केवल संकट की उस घड़ी में अपने कर्तव्य को पूरा किया, आज इस टीकाकरण के लक्ष्य में भी अपना अभूतपूर्व सहयोग देते हुए इसको पूरा करने के लिए एक अच्छा कार्य किया है। हमारे देश के चिकित्सा मंत्रालय, उनके सारे कर्मचारी, देश के सारे प्रशासनिक अधिकारी और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश की जनता ने एकजुट होकर के कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है। महामारी के इस दौर में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जिस प्रकार से अनुशासन रखते हुए इनके कोरोना के सारे नियमों का पालन किया, कुछ समय के लिए अपने आप को लॉकडाउन भी किया, मास्क का भी प्रयोग किया और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स को करते हुए अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आत्मशक्ति, अपने संबल और विश्वास को बनाए रखा, उसी का परिणाम है कि आज देश ने एक सामूहिक इच्छा शक्ति के माध्यम से 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के मार्ग पर सभी भारतवासी चलते रहेंगे, ऐसी कामनाएं करते हुए हम सब भविष्य में भी कोविड जैसे आने वाली महामारी के प्रति सजग रहते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देवें, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें और विशेष रूप से भारतीय जीवन शैली के आधार पर एक अच्छे विश्व बनाने की तरफ भारत के योगदान के लिए अपने आप को प्रेरित करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं।